दोस्तों दुनिया में कुछ एक ऐसे देश है जिनके पास खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में तुर्की भी शामिल होने जा रहा है। तुर्की पहले से ही अत्यधिक आधुनिक पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट कान प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसके बाद अब एक बार फिर से तुर्की ने एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से न केवल भारत के दोस्त ग्रीस की चिंता बढ़ी है, बल्कि कहीं ना कहीं भारत को भी यह खबर परेशान कर सकती है। दोस्तों तुर्की भूमध्य सागर के अंदर एक बड़ी समुद्री शक्ति बनने का ख्वाब देख रहा है, जिसकी अगुवाई तुर्की के खलीफा कहे जाने वाले राष्ट्रपति कर रहे हैं। तुर्की की यही महत्वाकांक्षा उसे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण की ओर खींच लाई। इसके लिए बाकायदा डिजाइन वगैरह तैयार हो गए हैं। इस्तांबुल नौसेना शिपयार्ड में इसके डिजाइन पर कार्य किया जा रहा है। ऐसे में तुर्की का डिजाइन प्रोजेक्ट कार्यालय जो DPO है, उसने यह स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तुर्की इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण को शुरू करके ये दिखाना चाहता है कि उसकी नौसैनिक परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से शुरू करने की क्षमता किसी से कम नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि तुर्की का यह एयरक्राफ्ट कैरियर कितना बड़ा होगा और तुर्की के इस एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे ज़्यादा खतरा किस देश को है? क्या भारत को भी इससे चिंता करनी चाहिए? इस पर अपने विचार रखेंगे। तो दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तुर्की और ग्रीस आपस में कट्टर दुश्मन हैं। इनके बीच विवाद काफ़ी बार सुर्खियों में बने हैं। तुर्की इस एयरक्राफ्ट कैरियर को खास तौर पर ग्रीस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ग्रीस भारत का काफ़ी अच्छा दोस्त भी है। इसके अलावा मेरे हिसाब से भारत की चिंता यहाँ पर यह भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं तुर्की कान प्रोजेक्ट की तरह पाकिस्तान को भी इसमें आने का ऑफर ना दे दे, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जिसकी वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा अरब सागर और हिंद महासागर में एडवांटेज मिला हुआ है। आपका क्या विचार है? क्या भारत पर तुर्की के इस प्रोजेक्ट का प्रभाव पड़ेगा? अपनी राय भी जरूर बताइएगा। अब दोस्तों आपको इस एयरक्राफ्ट कैरियर के विशालकाय आकार और क्षमता के बारे में भी बता देते हैं। यह लगभग 285 मीटर लंबाई के साथ 60,000 टन वजनी हो सकता है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक इस पर 3 रनवे रहेंगे, जिनमें से 2 टेक ऑफ के लिए तो 1 लैंडिंग के काम आएगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को संयुक्त गैस टर्बाइन और गैस टर्बाइन COGAG इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा, जो इसे 25 समुद्री मील की गति तक पहुंचाने में सक्षम होगा। इसके साथ ही आपको ये बता दूं कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगभग 50 लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा सकता है, जिनमें 30 को हैंगर में रखा जाएगा, बाकी 20 डेक पर तैनात रहेंगे। तुर्की इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हरजेट, जो कि हल्के लड़ाकू विमान है, तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किए गए अंका-3 मानव रहित लड़ाकू विमानों सहित कई विमानों को तैनात करने की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि बायरेक्टर टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किजी लेलमा मानव रहित लड़ाकू विमान और बायरेक्टर TB3 सशस्त्र ड्रोन भी तैनात इस पर किया जा सकता है। वहीं तुर्की इसके अलावा पांचवी पीढ़ी के कान फाइटर जेट प्रोजेक्ट में नौसैनिक वेरिएंट पर भी काम कर रहा है और सूत्रों के मुताबिक यह उम्मीद की जा रही है कि तुर्की इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात कर सकता है। आपका क्या कहना है इस अपडेट को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।